बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो दाल, मसूर की दाल गोश्त बना रहे हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसे ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दुआ में याद रखिए। वेलकम टू आवर चैनल किचन डायरीज। हाफ कप तेल लिया हमने इसमें, तेल गरम हो गया, अब इसमें गरम मसाला डालेंगे हल्का सा, सिर्फ काली मिर्चें इसमें 10 से 15 दाने, एक इलायची बड़ी, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 3 से 4 छोटे से तेज़ पत्ते। अब इसको हम पकाएंगे हल्का सा। अब इसमें हमने एक मीडियम प्याज ले लिए। अब ये प्याज गोल्डन फ्राई होने वाली है, जब गोल्डन हल्की सी हो जाएगी तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे जो हमने हाफ के जी से ज़रा सा कम लिया है। अब इसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अब हम इसमें अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं, आजकल अदरक अच्छी नहीं आ रही, इसका कलर ऐसा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम ये मसाले इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 3 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है और 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फिर इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। कर रहे हैं, ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे कुछ मसाले लगे नहीं, तो थोड़ा सा डालेंगे बस, ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके। हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, मिक्स करके हम इसे थोड़ी धीमी आंच पर ढक्कन लगा के रख देंगे दम पर, ताकि हमारे टमाटर गल जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए, तो फिर हम इन्हें भुनाई करेंगे। ये हमारा जो भून गया और तकरीबन गल भी गया है ना, ये हमने दाल वाश कर ली है, अब हम इसमें डाल रहे हैं दाल शामिल कर रहे हैं। थोड़ी एक प्याली दाल लिया हमने, अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि दाल हमारी गल जाए, बॉयल आ जाए, तो फिर हम इसे ढक्कन ढकेंगे। बॉयल आ गया, अब हम इसे ढक के पकाएंगे, 10 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से देखेंगे हमारे दाल गोश्त तैयार हो चुका है, कलर देखें इसकी रंगत, और इंशाल्लाह आप लोग खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा हम गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। हम इसे डिश आउट कर रहे हैं,